Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Showbiz Reality by Naima. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा जेंटलमैन के हवाले से एंड अदाकारा यमुना सैदी एंड हुमायूं सईद के हवाले से. बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन कॉल पर करना ताकि जो भी अपडेट आप सबसे शेयर कीजिए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे. अदाकारा यमुना सैदी और हुमायूं सईद का ये ड्रामा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है. अदाकारा यमुना सैदी के तमाम फैंस इस ड्रामे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली ये ड्रामा रिलीज भी हो चुका है जिसकी प्रमोशन अभी तक स्टार्ट है. डिफरेंट प्लेस पर जाके पाकिस्तानी अदाकारा यमुना सैदी और हुमायूं सईद अपने इस ड्रामे की प्रमोशन कर रहे हैं और लोग इनको खूब दाद दे रहे हैं और ये खूब दाद वसूल भी कर रहे हैं. अदाकारा यमुना सैदी तमाम दिलों की धड़कन है, ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस इनको सपोर्ट करें बल्कि इंडिया और बांग्लादेश से भी बड़ी तादाद में लोग इनके ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके काम को बहुत सराहते हैं. पाकिस्तानी अदाकारा यमुना सैदी को इंडिया से काफ़ी ज़्यादा दाद मिली. इनके बहुत से इंडियन एक्टर जो इनके फ्रेंड हैं उन्होंने भी इनको खूब दाद दी और कहा कि हम आपके इस ड्रामे को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं. पाकिस्तानी अदाकारा यमुना सैदी ने कहा कि आप मेरे इस ड्रामे को देखिए और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें. अदाकारा यमुना सैदी और हुमायूं सईद इस ड्रामे में बहुत बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं क्योंकि अदाकारा यमुना सैदी जो है पहली दफ़ा एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही हैं. दूसरी तरफ अगर हम हुमायूं सईद की बात करें तो वो इस ड्रामे में गुंडे का किरदार निभा रहे हैं. पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं सईद और यमुना सैदी बहुत से ड्रामों में काम कर चुके हैं और इनका हर ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होता है. पाकिस्तानी अदाकारा यमुना सैदी ने ड्रामा तेरे बिन में और बख्तावर भी खूब शोहरत कमाई और इसके बाद पाकिस्तानी अदाकारा यमुना सैदी के ड्रामा जेंटलमैन को लेकर इनकी तमाम जो फैंस थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे और वो वेट कर रहे थे कि आखिर ये ड्रामा कब आएगा. और फाइनली जो इंतज़ार की घड़ी है वो भी ख़त्म हो चुकी है और ये ड्रामा आ चुका है और इस ड्रामे को मैं खुद वॉच कर रही हूँ जो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे. और मैंने इसकी लेटेस्ट एपिसोड जब देखी तो मुझे ये लगा कि आने वाले जो इसके एपिसोड होंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और मैं कहती हूँ कि ख्वातीन के लिए ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इस ड्रामे में. अगर आप लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे तो आप लोगों ने ये ड्रामा ज़रूर देखना है और फिर मुझे अपने जो फीडबैक है आप लोगों ने मेरी वीडियो पर शेयर करना है क्योंकि मैं भी इस ड्रामे को देखने वाली हूँ और मैं भी इस हवाले से आपके साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगी. सो आज की लेटेस्ट वीडियो आप लोग को कैसी लगी वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.